बताया हूँ दिल्ली का, थोड़ा बहुत बताता हूँ। दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत। जी जी आपको एक नजरिए की जरूरत है बस, और एक मास्क की। तो मैंने अपनी दीदी से पूछा था कि दीदी दिल्ली कैसा लगता है, दिल्ली कैसा शहर है। कह रही बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा रात में कैसा लगता है, कह रही है पता नहीं। तो फिर मैं मुंबई आया, तो मुंबई में बहुत भीड़ है। तो मैंने उस दौरान एक कविता लिखी थी, इसका शीर्षक है सिग्नल, और ये चालू होती है कि नैतिकता के कपड़े उतार कर बैठी है, ये तुम्हारा भी हिस्सा मार कर बैठी है। चलो मान लें कि ये दुनिया हरामजादी है, पर गाड़ी के शीशे को खटखटाती वो लड़की भूख की सहजादी है। क्या बात है, बजाओ प्लीज प्लीज। उसे देखो और सोचो, क्या तुम अपने मर्यादा की एक रोटी बना सकते हो, या अपने उसूलों के जैसी उसकी एक चोटी बना सकते हो। क्या तुम इस आभासी विकास की गति मंद कर सकते हो, अपने असली होने का दिखावा बंद कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या ख्वाबों को हकीकत की जमीन पर सोने दोगे तुम, क्या एक मुस्कुराते चेहरे को अपने कंधों पर रोने दोगे तुम। क्या ऐसा करने के लिए मन की गांठें खोल सकोगे, गलत के होने पर सबसे पहले बोल सकोगे। मेरे सवालों के कारण ढूंढने से अच्छा है तुम इनके जवाब देखो, वक्त आ गया है कि तुम अंधे लोगों के लिए भी ख्वाब देखो। वाह, क्या उपमा है। ख्वाब देखो क्योंकि तुम्हें यही दिखाए गए हैं, तुम्हारे ठंडे खून में मृतात्मा के अंश पाए गए हैं। मैं तुम्हें सच भी बताता, पर ये एक मशवरा हो गया है। खैर छोड़ो, जाने दो, सिग्नल हरा हो गया। क्या खूबसूरत हो गया मेरा काम।